आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई ई पास की व्यवस्था तीर्थयात्रियों के लिए आफत का सबब बन गई है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर ऋषिकेश से पांडुकेश्वर तक ई पास को लेकर कोई पूछताछ नहीं की जा रही है, लेकिन पांडुकेश्वर में ई पास न होने पर प्रशासन ने उन्हें बद्रीनाथ जाने से रोक दिया, जिससे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज यात्रियों का कहना है कि अगर सरकार ने चारों धाम यात्रा और दर्शन चालू कर दिए हैं तो व्यवस्थाएं भी ठीक होनी चाहिए। सुबह 7 बजे और पुलिस वाला अपना नाम एंट्री कर दिया, 4 बजे आए बोलो, 4 बजे आया था, 4 बजे नहीं छोड़ा था, फिर बोला सुबह 7 बजे आया, कल तहसीलदार भी आया था, तहसीलदार का पैर में पकड़ दिया और तहसीलदार बोला था पुलिस वाला को ओडिशा वाले को छोड़ दो, किंतु पुलिस वाला अभी तक हम नहीं छोड़ने का, मतलब 3 बजे आओ 5 बजे ऐसा ही नाटक करता है। आप हमें ये कह रहे हैं कि ऋषिकेश में चेकिंग कीजिए, आप ई पास देखिए, अगर नहीं है तो उन्हें वहाँ से लौटा दीजिए, भेजिएगा मत, क्योंकि जो यात्री वहाँ से परेशान होकर चला जाएगा वो पास में 30 किलोमीटर की दूरी पे, अब यहाँ 300 किलोमीटर आकर के वो गाड़ी का ही पूरा हर्जाना भर रहा है, ठीक है, दुखी भी हो रहा है, यहाँ होटल का भी दे रहा है। अब सरकार को जो करना है भाई, यहाँ पर ऑन द स्पॉट आप लेके बैठिए, लैपटॉप ऑन द स्पॉट ही बनाइए, अपने कर्मचारी बढ़ाओ, कर्मचारी बढ़ाइए, अपने आप घर बैठ के बुक कर रहे हैं भाई, वो घर एक बंदा घर बैठ के बुक कर दिया और जो यहाँ पर आप बेचारा वो परेशान है। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए ई पास पंजीकरण, वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र या कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ मिलाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन ई पास को लेकर हो रही अनभिज्ञता के चलते तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। हमारे पास है नहीं, हम तो और बात करते हैं तो ऐसे चीज जाते हैं कि जैसे हम ये बद्री केदारनाथ को हम लूटने आए हैं, हम आतंकवादी हैं, इस तरह का बर्ताव करते हैं, हम पुलिस बुला के आपको जेल में बंद कर देंगे, आपके आपके ऊपर केस करेंगे, आप हाईकोर्ट में जवाब देना, हम रहते हैं गुजरात में, हमको ऐसा डर डालते हैं हमारे ऊपर। ठीक है सर, ठीक है ओके। पंडुकेश्वर में फंसे हुए यात्रियों का कहना है कि जो पैसा लेकर आए थे वह भी अब खत्म होने लगा है, होटल में रहने के लिए किराया नहीं है और खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है। सबसे अधिक परेशानी गुजरात के यात्रियों को उठानी पड़ रही है, जो लगभग 16-17 दिनों से घर से निकलकर यात्रा पर आए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं हुए हैं। तीर्थयात्रियों की समस्या सुनने के बाद अब सवाल यह उठता है, आखिर जब व्यवस्थाएं दुरुस्त ही नहीं थी तो सरकार ने चार धाम यात्रा शुरू ही क्यों की? कहीं ऐसा न हो कि इस तरह की लचर व्यवस्थाओं को बदला जनता सरकार से चुनाव में निकाल ले। यहाँ पर वो 4 दिन में आया, वो कल आज 2 दिन हो गया, उसको खाना पीना देखने के लिए हमको मालूम नहीं ही पास क्या है, इस पास नहीं पैसा ले लिया, चमोली से पुष्कर सिंह नेगी, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।